नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। योगी सरकार भले ही भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करती हो, लेकिन असल में उनके मातहत सरकार की व्यवस्था के अमल सच को समय समय पर उजागर कर किरकिरी करा रहे हैं। आजमगढ़ जिले के जीयनपुर थाना क्षेत्र के अमुआरी नारायणपुर गांव में उपभोक्ताओं के विद्युत बिल को बढ़ाकर भेजने और बाद में संशोधन के नाम पर धन उगाही कर रहे अवर अभियंता को रंगे हाथ 5,000 रुपए घूस लेते गोरखपुर से आई एंटी करप्शन टीम ने दबोचा। आजमगढ़ जिले के अमुआरी नारायणपुर गांव में स्थित विद्युत उपकेंद्र पर तैनात अवर अभियंता छोटेलाल निरंतर विद्युत उपयोग उपभोक्ताओं के बिल को बढ़ाकर भेजने का काम करते थे। बाद में संशोधन के नाम पर धन उगाही का खेल होता था। इसी तरह अवर अभियंता छोटेलाल ने थाना जीयनपुर निवासी नारायणपुर गांव के टिकमा जगपत का विद्युत बिल कनेक्शन 24,000 के बिल को अपने आईडी का दुरुपयोग करते हुए बढ़ाकर 1,58,462 रुपये कर दिया, जिसके वास्तविक संशोधन के नाम पर 15,000 रुपये की मांग करने लगे और न देने पर FIR की धमकी दी। पीड़ित किसी तरह 10,000 रुपये देकर JEE से कुछ माह का समय मांगा, जिसके बाद उन्होंने पूरे प्रकरण को एक सामाजिक संगठन के माध्यम से आश्वस्त होते हुए पीड़ित ने JEE को 5,000 रुपये देने के लिए 26 जुलाई की तिथि तय की, जिसके बाद पूरे मामले की सूचना एंटी करप्शन टीम को दिया गया। एंटी करप्शन टीम ने जिलाधिकारी से अनुमति लेते हुए PWD के वरिष्ठ सहायक व CMO कार्यालय में तैनात कनिष्ठ सहायक को गवाह के रूप में मौके पर एंटी करप्शन टीम ने पुलिस पीड़ित जगपत से पूरा मामला समझा और केमिकल युक्त 5,000 रुपये अवैध अभियंता को देने के लिए दिया, जिसके बाद जगपत ने 5,000 रुपये JEE छोटेलाल को थमाया। विद्युत बिल में संशोधन के लिए JEE ने हामी भरते हुए मौके पर एंटी करप्शन टीम के प्रभारी DP रावत व अन्य सदस्यों ने उसे धर दबोचा, जिसके बाद JEE के पांव तले जमीन खिसक गई और उसे एंटी करप्शन टीम ने जीयनपुर थाने लाया, जहां मुकदमा कर उसे कार्रवाई किया। आप देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। कहाँ पर कार्यरत हैं आप? हमारे नारायणपुर। क्या मामला था सर? सर मामला ये था कि इसका जो है पैसा बकाया था, उसके खिलाफ हमने जो है FIR करवाया था, बकाया किसके ऊपर? जगपत। पिता का नाम नहीं है? उसके पिता का नाम तो नहीं जानते हैं सर, याद नहीं है। उसके खिलाफ 138B का मुकदमा हमने करवा दिया। पैसा तो जमा कर दिया, पैसा जमा करने के बाद आज जो है कि कहा कि कनेक्शन ऐसा करवा दीजिए 1 kW का लाइट फैन का, और वही उसी का जो है वो 3 कनेक्शन का पैसा हमको 5,000 रुपये दिया, और हमने कहा कि आप कागज़ दे दीजिए इन लोगों का जो है, तीनों कर्मचारियों का जो है जिनका करवाना है लाइफ टाइम का, उनका जो है कि आप पेपर भी हमको दे दीजिए, आधार कार्ड फोटो, जिससे उनका करवा दे कनेक्शन। तो कह रहा है कि कागज़ नहीं लाए हैं, उसके बाद जो है कि आपको बता दें। मतलब आपका नाम क्या है? जगपत स्वर्गीय रघुनाथ। ग्राम सभा कौन सा है? टेकनगाड़ा। क्या मामला था आपका? हमारा सर बिजली का मामला था, जिसमें हमारी बिजली मूलधन 24,000 थी, 1,58,462 रुपया दिखाया गया था, जिसमें हमको सही कराने के लिए JEE हमसे 17,000 रुपये बताएंगे, 10,000 रुपये हमसे ले लिए थे और 5,000 रुपये। 10,000 रुपये कब आप दिए थे? अरे 10-12 रोज हुआ, और 5,000 रुपया मांग रहे थे कि बिजली जोड़ने के लिए, मोबाइल से हम जोड़ देंगे, तब तक 5,000 रुपया सर आज हमने दिया है, वो रंगे हाथ पकड़े गए। मैं रंजीत सिंह, अध्यक्ष प्रयास सामाजिक संगठन। हम लोग की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और ये पीड़ित जगपत के द्वारा शिकायत मिली कि इस तरीके से JEE द्वारा बार बार बिल बढ़ाया गया है और उसके नाम पर जो है उसको कम करने के लिए पैसे की मांग कर रहे हैं, 15,000 रुपये की मांग कर रहे हैं, 10,000 हमने दे दिया, उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं। तो हम लोगों ने इनको जो है एंटी करप्शन गोरखपुर ऑफिस का पता बताया और इनको जो है वहाँ का नंबर दिया, और आप गए वहाँ कंप्लेन किए, और आज बाकी के 5,000 रुपया लेते हुए ये जो है एंटी करप्शन द्वारा तुरंत गिरफ्तार हुए हैं। आप लोगों के प्रयास? जी जी। मैं देव प्रकाश रावत, प्रभारी निरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन गोरखपुर इकाई। दिनांक 23/7/2019 को शिकायतकर्ता जगपत ने कंप्लेंट किया था
कि उसका घरेलू विद्युत कनेक्शन 1 किलोवाट का था, जिसका काफ़ी लंबा बिल आया था, करीब 1,58,000 रुपया। उसको कम करने के लिए छोटे लाल जी हैं, उन्होंने उससे कहा कि हम कर देंगे, 15,000 रुपया मांग किया, 10,000 उसने जो है रुपया दे दिया। उसके बाद बिजली का बिल कम हुआ, 24,000 लमसम कुछ हुआ, उसको उसने अपने जमा कर दिया, 2 किस्तों में भुगतान कर दिया। उसके बावजूद उसका विद्युत कनेक्शन नहीं जोड़ रहे थे और 5,000 रुपया जो बकाया था उसकी और डिमांड कर रहे थे। इसकी शिकायत उसने जब किया तो हमारे यहाँ पूरी भ्रष्टाचार निवारण संगठन की पूरी टीम मुख्यालय के निर्देशानुसार आई और आज जो है जेई को उपकेंद्र पर रंगे हाथ शिकायतकर्ता से 5,000 रुपया लेते हुए पकड़ा गया। थाना जीएलपुर में ला करके उसके विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाई की जाती है। संवारे अपना भविष्य इंदुप्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदुप्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।